2023 कुदरत के क्रोध का साल इसे कहें तो गलत नहीं होगा। अभी 8 महीने भी नहीं बीते हैं और दुनिया के कई देश नेचर अटैक के आगे कराहने लगे हैं। भारत में बरसात की वजह से जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका में टॉर्नेडो ने तबाही मचाई है। ईरान में हीट वेव की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं चीन के बड़े हिस्से में सैलाब की विनाश लीला देखी गई और अब कैनेडा में जंगल की आग ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये दहकते सूर्य की सतह नहीं बल्कि कनाडा के जंगल हैं। पेड़, घर, मकान और जानवर किसी को इस आग ने नहीं बख्शा है। जो भी वाइल्ड फायर के रास्ते में आया पल भर में भस्म हो गया। कनाडा के बहुत बड़े हिस्से में आग का कहर जारी है। फायर फाइटर्स की फौज आग पर काबू पाने में जुटी है, लेकिन बेकाबू आग के आगे किसी का जोर नहीं चल रहा। कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के इतिहास में इतनी भीषण जंगल की आग कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। अग्नि तांडव ने 2020 कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर की विभीषिका को भी पीछे छोड़ दिया है। कनाडा के अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबियास, ओंटारियो और क्यूबेक समेत 13 प्रोविंस में जंगल की आग की दहशत है। 25 जून को ही कनाडा की इंटर एजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर ने 2023 वाइल्ड फायर को सबसे भयानक अग्नि त्रासदी मान लिया था। अभी भी जिन्हें आभास नहीं है कि जंगल की आग में कनाडा किस कदर झुलस चुका है, उन्हें जरा आंकड़ों की जबानी इस विभीषिका को समझाते हैं। 19 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में वाइल्ड फायर की 5,814 घटनाओं में करीब 3,45,00,000 एकड़ जमीन जल चुकी है। कनाडा के कुल फॉरेस्ट एरिया का 4% आग में राख हो चुका है। It will be difficult for them. The fire is going to be very dramatic tonight. As it gets dark, the fire is going to look like it is right on top of the community. It's going to burn well into the early hours of the morning. There'll be glow and huge flames visible along the top of the hill. We're monitoring it constantly, but I need the public to be aware. It's going to be dramatic what you see. कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 18 अगस्त को गजब हो गया। जंगल की आग 20,000 की आबादी वाले एक शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। आग की लपटों का कहर ऐसा था कि शहर को हाईवे से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता बंद हो गया, जिसे फायर फाइटर्स ने अपनी जान पर खेलकर खुलवाया। इसी रास्ते शहरी आबादी का रेस्क्यू हो पाया। कनाडा की सरकार युद्ध स्तर पर अपने नागरिकों को बचाने में जुटी है। येलो नाइफ का एक इलाका है, वहां वाइल्ड फायर पूरी तरह भड़की हुई है। वहां से 40 फ्लाइट कैलगरी के लिए कनाडा सरकार ने की। इन 40 फ्लाइट में 3500 पैसेंजर्स को शिफ्ट किया गया है और बकायदा उन्हें एक अच्छे होटल में ठहराया गया है। हालांकि रेस्क्यू रेस्पॉन्स टीम की दिलेरी के बावजूद करीब 2,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें वाइल्ड फायर की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां आग तो नहीं पहुंची, लेकिन वहां धुएं की ऐसी चादर बिछ चुकी है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। 1.5 लाख की आबादी वाले शहर क्लेओनाम में तो घने धुएं से बना बादल शहर वालों को बेचैन कर रहा है। अस्पतालों में सांस की बीमारी से संबंधित मरीजों की तादाद अचानक से बढ़ने लगी है। इतने नुकसान के बाद भी राहत दिखाई नहीं दे रही। Many people throughout the province, I was deeply horrified to witness the distressing images emerging from West Kelowna late last evening. Last night and into this morning, the McDougall Creek wildfire traveled towards the city, threatening thousands of people. Let me begin by saying that I know that this is a very challenging situation for everyone in that area. My heart is with you. 18 अगस्त की सुबह तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक अभी भी कनाडा में 1,000 से ज्यादा जगहों पर आग भड़की हुई है, जिसमें से दर्जन भर से ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल की कैटेगरी में है।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।